नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। केरल सरकार आज विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव। झारखंड रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई, मिली जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। मुंबई हावड़ा मेल में बम की धमकी, जलगांव स्टेशन पर तलाशी के बाद किया रवाना। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिषेक बोयिनपल्ली को एससी से मिली जमानत। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में एंट्री के सभी टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए होगा टोल माफ। यूपी में कानपुर इटावा हाईवे पर डंपर और कार की भिड़ंत से हादसा, 5 की मौत। हिम्मत है तो बाबा सिद्दीकी की गोली चलाने वालों का एनकाउंटर कीजिए, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना। यूपी में बहराइच मामले पर सीएम योगी की सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक। गुजरात से 5000 करोड़ की 518 किलो कोकीन जब्त की गई, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं 12 दिन में सिंडिकेट पर मारे 3 छापे, 13000 करोड़ की ड्रग्स हुई बरामद। 3 फ्लाइट एक ट्रेन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, एआईआर इंडिया की उड़ान दिल्ली की गई डायवर्ट। वहीं इंडिगो के 2 विमान की भी जांच जारी। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरीके से लगा बैन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। पूर्व ब्रिटिश पीएम जॉनसन की किताब में मोदी की तारीफ, लिखा वे बदलाव लाने वाले नेता, नेहरू कहते थे भारत हमेशा रूस का साथ देगा। ट्रंप की रैली के बाहर हथियारों के साथ शख्स गिरफ्तार, कार में मिली 2 गन, फर्जी पास लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद कमिंस की टीम में वापसी, हेडमास्टर को पैटर्निटी लीव, पाकिस्तान से 3 वनडे खेलेगी ऑस्ट्रेलिया। हरियाणा में शाह को ऑब्जर्वर बनाने की 3 वजह, नायब सीएम चेहरा पर विज की भी दावेदारी, अहिरवाल बेल्ट ने की सीएम पद की डिमांड। कोलकाता रेप मर्डर केस, एक और डॉक्टर क्रिटिकल, अब तक 4 अस्पताल में ममता ने बुलाया, बंगाल के सभी अस्पतालों में 2 दिन हड़ताल। मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी टोल बूथ हल्के वाहनों के लिए फ्री, आदेश आज रात 12 बजे से लागू। यूपी के बहराइच में बवाल को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी से ली हालात की जानकारी। यूपी बहराइच में बवाल के बाद बिगड़े हालात, भेजी गई 6 पीएसी कंपनियां इंटरनेट बंद। इस टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।